तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल की रॉ यानी कि 24 सितंबर की रॉ में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि कल की रॉ का हिंदी प्रीव्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि कल की रॉ के अंदर हमें देखने को मिलेगी वो है एलायस वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में एक मैच, जहां दोस्तों मैच की शुरुआत में एलायस अपना कॉन्सर्ट रखेंगे और तभी उन्हें इंटरफेयर कर देंगे बॉबी लैशली। ये मैच दोस्तों पहले से तय हो चुका है, यानी कि मैच कल की रॉ के अंदर 100% हमें देखने को मिलेगा। यहाँ लियो रश दोस्तों हमें बॉबी लैशली के कॉर्नर पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो उनके न्यू मैनेजर है और यहाँ प्रोबेबली हमें लैशली इस मैच को जीतते हुए नजर आ सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली चीज की जो कि कल की रॉ के अंदर हमें देखने को मिलेगी, वो है ब्री बेला और रूबी राइट के बीच में एक मैच। तो गाइज पिछली रॉ के अंदर हमें ये मैच बनता हुआ नजर आया था जब रोंडा राउजी के ऊपर अटैक कर दिया था राइट स्क्वाड ने। इस मैच के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा एक तरफ होगी ब्री बेला और उनके कॉर्नर पर होगी रोंडा राउजी, वहीं दोस्तों राइट स्क्वाड के अंदर रूबी राइट के कॉर्नर पर हमें वहां राइट स्क्वाड के मेंबर देखने को मिलेंगे और देखना यह होगा कि कौन इस मैच को जीतता है। बात कर लेते हैं तीसरी चीज की जो कि कल की रॉ के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और यह है दोस्तों एक स्क्वाश मैच जो कि होगा AOP यानी कि ऑथर्स ऑफ पेन का किसी लोकल टीम के खिलाफ। अभी दोस्तों AOP का WWE बिल्डअप कर रही है, तो ऐसे में फिर से किसी लोकल टीम की बलि यहां दी जाएगी। बात कर लेते हैं अगली चीज की जो कि कल की रॉ के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है, वो है दोस्तों अलेक्सा ब्लिस और नाया जैक्स का एक और सेगमेंट। तो गाइज इनकी राइवलरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन नाया जैक्स ने जब अपनी वापसी की तो उन्होंने फिर से अलेक्सा ब्लिस के ऊपर अटैक किया पिछली रॉ के अंदर। तो गाइज यहां साफ है कि इनकी राइवलरी फिर से स्टार्ट हो चुकी है और यहां हमें सेगमेंट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली चीज की जो कि कल की रॉ के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और यह दोस्तों गेबल और रूड वर्सेस असेंशन के बीच में एक मैच। तो गाइज यहां लगातार 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि असेंशन और चैड और रूड की टीम के बीच में काफी अनबन चल रही है, और यहां फिर से ये मैच हमें देखने को मिल सकता है। इन टीम्स के बीच में दोस्तों क्रॉस मैच भी हो सकता है। बात कर लेते हैं अगली चीज की जो कि कल की रॉ के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है, इसकी सूचना दोस्तों मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और फिर से इस वीडियो में दे रहा हूं। तो गाइज ये है एक चैंपियनशिप मैच, WWE रॉ के टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट्स होगी दाव के ऊपर, और यहां दोस्तों द रिवाइवल करने जा रहे हैं अपनी वापसी और वो फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर को। तो गाइज ये आकर्षण का केंद्र होने वाला है कल की रॉ के अंदर। ये मैच काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड होगा, जहां दोस्तों हमें देखने को मिलेगा क्या वाकई में द रिवाइवल वो चीज पा पाते हैं जिसके वो हकदार है कि नहीं। तो गाइज ये चीज सबसे ज्यादा मेन होने वाली है। बात कर लेते हैं आखिरी चीज की जो कि कल की रॉ के अंदर हमें देखने को मिलेगी, वो है दोस्तों द शील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन की टीम के बीच में एक और झड़प। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस मैच होना तय हुआ है क्राउन ज्वेल के लिए, लेकिन दोस्तों क्राउन ज्वेल अभी काफी ज्यादा दूर है। उससे पहले आता है सुपर शोडाउन जो कि 6 तारीख यानी कि 6 अक्टूबर को होने जा रहा है, जहां दोस्तों मैच है द शील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन की टीम के बीच में। तो गाइज WWE इसे पहले बिल्डअप करेगा और यहां हमें इन दोनों टीम के बीच में एक झड़प देखने को मिल सकती है। तो गाइज कल की रॉ काफी ज्यादा जोरदार होने वाली है, लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आप किसे कल की रॉ के अंदर सपोर्ट करने वाले हैं, कि आप सपोर्ट करने वाले द शील्ड को या फिर आप सपोर्ट करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन की टीम को, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। वेल आज की वीडियो इतनी सी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।